दिल्ली हाई कोर्ट से नीलम आजाद को कैसा बड़ा झटका लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के किस आदेश पर लगा दी रोक। दिल्ली पुलिस ने किस आदेश को किया था चैलेंज। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों का साइको एनालिसिस टेस्ट किया गया, जिसके बाद से ललित झा ने कई बड़े राज खोले हैं। इस केस में एक के बाद एक करके कई झटके आरोपियों को लगते जा रहे हैं। इधर साइको टेस्ट हुआ, उधर दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला नीलम आजाद के लिए झटका साबित हो रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के उस आदेश को चैलेंज किया था, जिसमें दिल्ली पुलिस को ये आदेश दिए गए थे कि नीलम आजाद के वकील को FIR की कॉपी सौंप दी जाए। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की इस चैलेंज पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की और निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने इस केस में सुनवाई की। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के इस ऑर्डर को 21 दिसंबर को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शर्मा ने आरोपी नीलम आजाद को नोटिस भी जारी कर दिया है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के 21 दिसंबर के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी गई है। साथ ही सुनवाई की अगली तारीख के लिए आरोपी को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी 2024 को होगी। दिल्ली पुलिस ने इस केस में हाई कोर्ट में तर्क दिया कि संसद की सुरक्षा में सेंध वाले इस केस में आरोपी को कमिश्नर से संपर्क करना होगा, जो कि FIR की कॉपी देने के आवेदन पर फैसला लेने के लिए एक समिति का गठन करेंगे। ये समिति अगर उस आवेदन को खारिज कर देती है तो वो राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने तर्क में निचली अदालत के आरोपी के वकील को FIR की कॉपी देने के निर्देश को भी गलत बताया। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक कम से कम 4 जनवरी तक आरोपी नीलम के वकील को FIR की कॉपी नहीं मिल सकती है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला लेती है। गौरतलब है कि इस मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों की हिरासत भी 5 जनवरी तक बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में इस केस से जुड़े सभी आरोपियों की मुश्किलें कम से कम 5 जनवरी तक खत्म नहीं होने वाली है। इस बीच सभी आरोपियों के साइको एनालिसिस टेस्ट में आए बयान के आधार पर पुलिस की जांच किस दिशा में जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 जनवरी तक पुलिस के हाथ कुछ और भी अहम सुराग लग सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।